न्यू दिल्ली, जनवरी 27। जनवरी 27 मतलब आज हम लोग दो दिन पहले का है। जनवरी 27 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दैट मीन्स फॉरेक्स। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पैसा क्या है? फॉरेक्स है, रुपया उपया नहीं चलेगा। ठीक भाई, US $2.795 billion टू द US डॉलर, मतलब 616 था कुछ समय पहले, मतलब 3 महीना पहले शायद रहा होगा कि एक एक महीना में देते हैं। ठीक, बिलियन इन द वीक दैट एंडेड ऑन जनवरी 19। अच्छा, मतलब एक सप्ताह में, कितने में बोलो? एक सप्ताह, विद इन अ वीक इतने का नुकसान हुआ। द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगेन द डेटा इज रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का वो खजांची है जो बैंकर है, बैंकों का बैंकर है, नोट छापता है और आपका फॉरेक्स को क्या करता है? मेंटेन करता है, इट होल्ड्स द फॉरेक्स। ठीक, ड्यूरिंग द वीक इंडियाज फॉरेन करेंसी असेट, FCA मतलब क्या हो गया? फॉरेन करेंसी असेट, द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन बाय US डॉलर 2.653। इसको छोड़ दो, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। सेम आ गया क्या? नहीं, कुछ और है। हाँ, ये बता रहा है कि लास्ट टाइम या एवर, अब तक के इतिहास में कब वो समय था जबकि फॉरेक्स अपने पीक पे था? तो 2021, कब था बोलिए? 2021 अक्टूबर के 2021 में भारत का फॉरेक्स ऑल टाइम हाई था, एंड ऑल टाइम हाई वैल्यू बाई वॉज $645 billion। एंड सेम डेटा वॉज पिक्ड बाई CGPSC बिकॉज इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट। उसके बाद चला गया नीचे, सवाल पूछा क्या अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर पर था? द आंसर वॉज $645 billion। ठीक, क्यों पूछा समझे? क्यों पूछा? क्योंकि अब तक के इतिहास में वो, अरे ये है हमारा फॉरेक्स, मान के चलो ये फॉरेक्स का ऐसा पहले नहीं था, फिर बड़ा बड़ा, फिर मनमोहन सिंह आया, ऐसा बड़ा ऐसा। ठीक, अब ये वाला जो पॉइंट है दैट इज आपका $645 billion। अभी भी तो बता रहा है ना, 2.9 billion US डॉलर गिर गया, तो ये डाउनवर्ड टेंडेंसी है कि नहीं है? और आज का वैल्यू कितना बता रहा है? 600, अरे 616। ठीक, कहाँ गया?